वेलकम बैक गाइस ऑन ब्यूटी एंड हेल्थ टू 405। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं सबसे आम समस्या पिगमेंटेशन। ये होती है दो प्रकार की, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोपिगमेंटेशन। आजकल बहुत लोगों को देखने को मिलती है और इतनी जिद्दी होती है कि आसानी से जाने का नाम नहीं लेती। कई क्रीम हम अपना चुके होते हैं मार्केट से लाके, लेकिन ये नहीं जाती है। जब तक लगाते हैं फ़ायदा है, फिर नहीं। तो इस वीडियो में पूरी चीज़ जानिए, क्या हम एक्सरसाइज करें, क्या खाएँ, क्या लगाएँ, सब कुछ 5 मिनट की इस वीडियो में आपकी पिगमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो अंत तक ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो जरूर करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। पिगमेंटेशन होने का कारण क्या होता है? सबसे मेन सन एक्सपोजर, धूप में घूमना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीसीओडी प्रेगनेंसी के कारण ये होती है पिगमेंटेशन। सबसे पहला प्रकार होता है पिगमेंटेशन का मेलाज्मा। इसमें जो होते हैं सफ़ेद धब्बे उभर आते हैं और ये मोस्टली चिक्स और नोज और फोरहेड अपर लिप्स के पास होते हैं। फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं और समर सीजन में ये इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड टाइप होता है प्लूटोस। ये प्रेगनेंट वुमेन को ज़्यादा आता है, इसे मास्को प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ये फेस और स्टमक एरिया में आता है। इससे सन टाइम में जितना टाइम आप इम्प्रूव करोगे, मतलब जितनी धूप में बिताओगे टाइम, उतना ज़्यादा ये बढ़ता है। फिर आता है सन डैमेज के कारण, जिसे हम लीवर स्पॉट भी कहते हैं। ये एज के कारण भी आता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण बढ़ जाते हैं। फिर आता है फ्रेकल्स। फ्रेकल्स जो होता है छोटे 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 दाग होते हैं पूरे चेहरे पे। किसी कोई कोई को ये पसंद होते हैं, इन्हें ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, उन्हें पसंद होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। ये पूरे चेहरे पर होते हैं, किसी को नहीं पसंद, किसी को पसंद। तो ये होते हैं फ्रेकल्स। पिगमेंटेशन के टाइप्स होते हैं सभी। अब होता है हाइपोपिगमेंटेशन। इसमें होता है सफ़ेद जो दाग होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, हम इन्हें सफ़ेद दाग की बीमारी कहते हैं। कोई कहता है कि WCB बनना बंद हो जाती है, उसके कारण ये होता है, वाइट सेल्स। बहुत से रीजंस होते हैं और ये आसानी से जाता भी नहीं है। अगर एक स्पॉट है तो हम लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, पर ये बढ़ रहा है तो फिर चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं कि ये जाए। यहाँ पे मैंने कुछ क्रीम शो की हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें। होम रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहला तरीका होता है कोको बटर यूज़ करना। कोको बटर में बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्किन की ये दाग धब्बे झाइयाँ ख़त्म हो सकती है। कच्चा आलू आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आपकी पिगमेंटेशन कम होगी। एप्पल साइड विनेगर लें, इसको पानी में मिलाएं और कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी पिगमेंटेशन में आपको राहत मिलेगी। 2 बार ऐसा करें दिन भर में। एलोवेरा में एलोनिन होता है जो कि नेचुरल डीपिगमेंटेड कंपाउंड होता है। ये आपकी स्किन को लाइट भी करेगा और पिगमेंटेशन भी घटाएगा। रोज़ रात को आप अप्लाई करें। ग्रीन टी जो होती है, इसे आपको बॉईल करना है और चेहरे पे अप्लाई करना है। इससे भी आपके डार्क पेचेस ईजिली ख़त्म हो जाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा। इसके बाद आप ब्लैक टी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रेश लीव्स लेके बॉईल करें और पूरे चेहरे पर लगाएँ। ये भी आपकी स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने में मदद करेगा। इसके बाद होता है टमाटर। टमाटर में होता है लाइकोपीन, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म डैमेज से हमारी स्किन को बचाता है। तो आप टमाटर अप्लाई करें। मसूर की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपकी स्किन के कलर को भी साफ़ करेगी, चेहरे पर ग्लो भी देगी। तो मसूर की दाल आप अप्लाई करें पैक बना के। खाने में क्या लें? खाने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। शिमला मिर्च हुई, ब्रोकली हुई, पालक हुई, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद खट्टे फल, लेमन, ऑरेंज, आंवला, जितने भी विटामिन सी सीरम, बहुत महंगी मिलती है गाइस। छोटी सी लेंगे बहुत महंगी आएगी। मैंने विटामिन सी से सीरम से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया, आप वो ज़रूर देखें और चेहरे पे लगाएं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। टमाटर खाएं, कीवी खाएं, कीवी भी हमारी हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो हमारे पेट में जाते से ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करेगा। फ्लैक्स सीड्स जो होती हैं उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, ये फ्री रेडिकल्स को ईजिली रिमूव कर देता है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होती है, विटामिन ए और सी होता है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप इन्हें खा सकते हैं, इससे भी आपकी स्किन साफ होगी। किशमिश का पानी पिए, ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, साथ ही कलर भी इम्प्रूव करेगा। पम्पकिन खाएं, इसमें होता है जिंक, एंजाइम्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। पपाया स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। येलो फ्रूट जो होते हैं वो स्किन के लिए अच्छे ही होते हैं। बीटरूट, आयरन की कमी से अगर पिगमेंटेशन हो रही है तो बीटरूट जरूर लें, इससे ये रिमूव होगी। आलमंड में होता है विटामिन ई, गुड फैटी एसिड, मैग्नीशियम, ये आपकी मदद करेगा स्किन के लिए। कर्ड जरूर खाएं, स्किन को ग्लो देगा और साथ में दाग धब्बे भी रिमूव करेगा। कोकोनट बॉटल लें, आपका हाइड्रेट रखेगा, और दिन भर में 8 गिलास पानी जरूर पिएं, इससे आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। जूस में आपको लेना है 1 बीटरूट, 2 कैरेट, 1/2 लेमन और ब्लैक सॉल्ट, और ये जूस आप दिन भर में 1 बार जरूर लें, आपकी स्किन की हर समस्या खत्म होगी। एक्सरसाइज में आपको करना है, एक साइड अपने चिक में हवा भरनी है और उसको रखना है 5 से 6 सेकेंड, फिर सेकेंड साइड यही करना है। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। सेकेंड एक्सरसाइज ऐसी होती है, ब्लड फ्लो होने से क्या होता है कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स खत्म होगी। फ्यूचर में प्रिवेंट करने ये बहुत तरीके होते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी,
B12 ये सब हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जरूर लें क्योंकि ये होते हैं मेलेनिन रिड्यूस करते हैं। और विटामिन सी सीरम भी आप अप्लाई करें, इससे फ़ायदा होगा। सनस्क्रीन जरूर लगाएं, अबाउ 30 SPF। अम्ब्रेला लेके जाएं अगर धूप में ज़्यादा कहीं जाना है तो। चेहरे पे वॉश करने के बाद टॉवल ज़्यादा ना रगड़ें, इस फ्रिक्शन के कारण भी पिगमेंटेशन हो जाती है। इसके बाद कोई भी क्रीम ना लगाएं, सिलिकॉन ना लगाएं, अल्कोहल वाला क्रीम ना लगाएं, पेपलिन वाला क्रीम ना लगाएं। आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, स्मोकिंग को मना करें, चडियो ज़्यादा यूज़ ना करें और 8 घंटे की नींद जरूर लें। हार्मोनल इम्बेलेंस पे बिल्कुल ध्यान दें। और इसके साथ ही फिर भी इन सब से नहीं होता है तो डॉक्टर को शो करें, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।